नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा फाइल्स को लेके, बैकलॉग्स को लेके, क्या प्रोसेसिंग है, क्या करंट अपडेट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। सो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बात करें आज की डेट में जो कनाडा के बैकलॉग्स हैं, जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी कि वो 20 लाख से बढ़कर, यानी कि 2 मिलियन से बढ़कर 2.1 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। सो इस पर बहुत से लोगों का ये मानना है, मैंने रिसेंटली भी जो मेरे को कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, क्वेरीज आती हैं, उनका ये मानना है कि हाँ भी शायद आज की डेट में पुरानी फाइल्स जो हैं, या मतलब कहने का ये कि कनाडा में ऐसी काम ही नहीं कर रही है। आप एक चीज़ ये समझो कि जो कनाडा की फाइल्स हैं जो प्रोसेस हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आज की डेट में अगर पर डे लगाने वाली फाइल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की लगा के चलो, लगाने वाली फाइल्स जो हैं डेली की 10,000 के आसपास हैं। और जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्योंकि देखो एक फ़ाइल को स्टडी करना, उनकी बैकग्राउंड चेक करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, कुछ एजेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको नोटिस करना ज़रूरी है। सो प्रोसेस करना, उस फाइल का रिज़ल्ट देना एक अलग प्रोसेस है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी होता है। सो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही वो रिज़ल्ट दे सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि जो फाइल्स का रिज़ल्ट है, अगर डेली की 10,000 के आसपास की फाइल्स लगती है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ कनाडा के लिए, तो उनमें से जो फाइल्स का रिज़ल्ट पर डे एक एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर्स की जो टीम है वो देती है, वो रफली अगर बात करें शायद 2,000 या 3,000 या 5,000 होगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर डेली की 10,000 फाइल्स लग रही है और 5,000 का रिज़ल्ट आ रहा है ना, तो पर डे 5,000 फाइल्स जो हैं नई एड ऑन हो रही हैं, लेकिन पुराने के भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी नॉर्मली चल रही है। न्यू टीम इन्होंने, मैंने रिसेंटली वीडियोज़ में भी बताया था, न्यू टीम इन्होंने हायर कर रखी है, अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास जो वीज़ा ऑफिसर्स इन्होंने हायर कर रखे हैं वो अंडर ट्रेनिंग है। अभी तक रिटर्न में कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि वो वाले जो 500 एप्लीकेंट्स हैं जो अंडर ट्रेनिंग हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो अभी फाइल्स रिव्यू करने में शुरू हो चुके हैं या प्रोसेसिंग में आ चुके हैं या नहीं, क्योंकि जितना अभी तक इस चीज़ का रिटर्न में कोई अपडेट नहीं आया है। इसके अलावा बात करें नई फाइल जो हैं, आपको मैंने बता ही दिया है कि क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में लग रही हैं, सो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी गुड न्यूज़ आपको देता हूँ, अगर आपने रिसेंटली मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक रफली अगर बात कर रहा हूँ किसी की, जो स्टूडेंट्स की जो फाइल्स थी उसमें अप्रॉक्सीमेट 30 वीक्स के आसपास का स्टूडेंट का टाइम चला गया था, जो कि आज की डेट में कम होकर शायद 12-13 वीक्स के आसपास है। सो इट मीन्स जो स्टूडेंट्स की फाइल्स हैं उनमें तो फास्ट प्रोसेस हो चुका है, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी फाइल्स में भी रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं, सो थोड़ा सा और वेट करिए। और पीआर की फाइल्स भी मैंने रिसेंटली वीडियोस में बताया था कि आने वाले दिनों में पीआर फाइल्स भी जिनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या जिनका ड्रॉ निकलना है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वो भी अभी रिज्यूम नहीं किया था, वो भी आने वाले दिनों में कंटिन्यू हो रहा है। सो बात करें इन चीज़ों को लेकर, सारा एक ओवरऑल बात करें तो भाई बैकलॉग्स को अभी प्रोसेसिंग में नॉर्मल जो है चल रहे हैं, स्टूडेंट्स फाइल्स हो गए, बाकी जो फाइल्स हैं वो भी सभी प्रोसेसिंग में है। हाँ, ये मान सकते हैं कि प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, सो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बार बार वेब फॉर्म या ईमेल रेस करने से कुछ नहीं होगा, वेब फॉर्म जस्ट एक रिमाइंडर है। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो आप उसमें अपडेट डाल सकते हो कि हाँ मेरा ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है, उसको अपडेट कर लीजिए, इसके हिसाब से रिजल्ट दीजिए। अब बार बार ये रिमाइंडर डालो कि हाँ भी मेरी फाइल का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई आपके जैसी 20 लाख से प्लस की फाइल्स हैं सभी का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सभी भी रिमाइंडर डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो आपके उस वेब फॉर्म को सीरियसली नहीं लिया जाएगा जो आप बोलो कि हाँ भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, आपके जैसे भाई बहुत सारे लोग हैं। सो बार बार वेब फॉर्म या ईमेल रेस करने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा वेट करो, पॉजिटिव रिजल्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिहाफ पे आने के चांसेस सभी के रहेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट जो फाइल लगा चुके हैं, होप फॉर द बेस्ट कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही है, चाहे थोड़ा सा लेट आए। सो थोड़ा सा वेट करिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस ये छोटी सी अपडेट थी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए अपडेट्स के साथ।